चलो बच्चों, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं 1.2 का 6, 7, 8, 9 चार सम एक ही वीडियो में लेंगे, क्योंकि बच्चा चारों चार कंसेप्ट एक ही बेस पे जा रहा है। ये परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन मतलब बच्चा अरेंजमेंट। वर्ड लिख देना, पी इज इक्वल टू अरेंजमेंट एंड सी इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। पी जब भी आएगा बच्चा तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं अरेंज करना है, अरेंज करना है तब परम्यूटेशन आएगा। तो सिक्स हम शुरू करते हैं। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर एट फर्स्ट प्लेस, एम एज अ लास्ट प्लेस व्हेन द ऑल द रेटर ऑफ रैंडम आर अरेंज इन पॉसिबल वे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रैंडम वर्ड में कितने लेटर है? तो आप बोलोगे इन रैंडम वर्ड देर इज अ सिक्स लेटर, वो पहले लिखना है। उसमें से आपको अरेंज करना है तो आप बोलोगे ऑल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 6p6, जिसको हम बोलेंगे 6 factorial, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो आप बोलोगे सर इसका होगा 7। तो बच्चा ये आप बोलोगे पॉसिबल आउटकम आ गया। उसके बाद आप बोलोगे सर सबसे पहले हर बार हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू इवेंट दैट गेटिंग आर इन द फर्स्ट प्लेस एंड आई एम इन अ लास्ट प्लेस। तो बच्चा जब भी ऐसे सम होते हैं तो मैं हर बार बोलता हूँ कि छोटा सा लिखना रखो जिससे आपको ईजी रहे। तो आपको कंपलसरी बोला गया है कि फर्स्ट प्लेस पे आपको क्या लगाना है, तो आर लेना है, और लास्ट प्लेस पर आपको कंपलसरी बोला गया है एम रखना है। तो ये जो आर है उसको 1p1 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एम जो है वो 1p1, क्योंकि एक ही एम है और एक ही लास्ट प्लेस है। तो आप बोलोगे सर बाकी जो चार लेटर होंगे वो 4p4 तरीके से अरेंज होंगे, 4p4 तरीके से अरेंज होंगे। तो फेवरेबल आउटकम जो बोला जाएगा वो आप बोलोगे ये कुछ इस तरह होगा, आर के लिए 1p1 इंटू 4p4 इंटू 1p1। 1 का तो कोई मतलब नहीं है, खाली 1 4 इंटू 3 इंटू 4 factorial बोला जाएगा, और ये 1 सॉल्व करोगे बच्चा तो ये होगा 24। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू आप बोलोगे सर एम अपॉन एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 24/720। सॉल्व करोगे बच्चा तो होगा 1/30, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चा ये शांति से प्रॉपर लिख दो। उसके बाद हम शुरू करते हैं अभी सम नंबर। आप बोलोगे सर होगा 7, तो स्टार्ट करते 7 नंबर का सम। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओएल इन द फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस एंड सिक्स प्लेस व्हेन द ऑल द लेटर ऑफ ऑरेंज आर अरेंज इन द पॉसिबल वे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको बोलना पड़ेगा। तो बच्चा आप सबसे पहले बोलोगे सर ऑरेंज में, तो सबसे पहले लिखा पड़ेगा टोटल 6 letter इन द ऑरेंज वर्ड। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर 6p6, जिसको आप 6 factorial बोलोगे, जो आएगा 720। क्लियर है बच्चा? उसके बाद बोल रहे हैं कि ऑरेंज को अरेंज करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे इवेंट दैट गेटिंग द गेटिंग ओवल इन द फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस एंड सिक्स प्लेस। तो बच्चा ये समझ लो, यहाँ पे पहले तो 6 हमने लाइन ड्रॉ कर दी, क्लियर है? अभी बोला है कि फर्स्ट प्लेस पे वोवेल चाहिए। जो हमारे पास वोवेल कितने हैं, तो आप बोलोगे सर ओ है, लिख देते ओ, ई है एंड ए है, 3 vowel है और 3 place है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ 3p3, सही है? 3 vowel है और 3 place है, और बाकी जो बचे वो 3 number है। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो भी कैसे होगा, वो बाकी जो है वो 3p3 ही है। तो सॉल्व करोगे बच्चा तो वो कितना होगा, 6 × 6 वो होगा 36, और फाइनल आंसर होगा 36/720। तो सॉल्व करोगे बच्चा तो होगा 120। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट, जिसमें बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाना था कि 3 जगह है और 3 place है, तो 3p3 वो पहले वोवेल अरेंज करेंगे, और उसके बाद आप बोलोगे वोवेल के बाद जो जगह है बाकी जो बचेगी उसमें हम 3p3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो शांति से ये प्रॉपर लिख दो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो बच्चा अभी 8 नंबर और 9 नंबर दोनों एक ही कॉम्बिनेशन के,
दोनों में थोड़े थोड़े पॉइंट डिफरेंट है, वो पॉइंट आपको ध्यान समझना है कि डिफरेंस दोनों में क्या क्या पॉइंट हो है, मेन डिफरेंस वो आप समझ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अभी बोला हुआ है फाइव मेंबर ऑफ अ फैमिली, हस्बैंड वाइफ एंड थ्री चिल्ड्रन आर रेंडमली अरेंज इन अ रो फॉर द फैमिली फोटोग्राफ। तो इसमें बोला हुआ है कि जो एक फैमिली फोटोग्राफ है इसमें पांच लोग को अरेंज करना है, इसमें हस्बैंड वाइफ थ्री चिल्ड्रन है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट हस्बैंड एंड वाइफ आर सीट नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब जब भी जहाँ पे भी, जैसे समझ लो कि हस्बैंड यहाँ बैठे हैं तो उनके बाजू में ही वाइफ बैठेगी, और बाकी में तीन जगह पे उनके चिल्ड्रन जो है वो बैठेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आपको वो समझना है, दो जगह है और दो पर्सन को बैठना है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो है दोनों को अरेंज करना है दो जगह पे। तो आप बोलोगे सर टोटल पहले तो एम लिख लेते एन, तो पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, तो पांच जगह है और पांच लोग हैं तो 120 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल बच्चा करोगे तो 120 होगा। इसके बाद बच्चा आपको वो समझना है, अभी एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये शायद से कोई बच्चे को पहले के लेक्चर जिसने बहुत सीरियस जो देखे होंगे या 11th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा किया होगा उनके लिए। कई बार ऐसे होते हैं कि दो गर्ल्स को साथ में बिठाना है और बाकी को अरेंज करना है। तो मैंने क्या बोला था, हर बार मैं बोलता हूँ वो पॉइंट शांति से समझना। यहाँ पे जो बोला है कि हस्बैंड को आप अरेंज करोगे तो ऑटोमेटिक वाइफ अरेंज हो जाएगी, और वाइफ को अरेंज करोगे मतलब बिठाओगे तो ऑटोमेटिक हस्बैंड भी क्या होगा, सेट हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें ये तो समझ में आ गया कि ये दो लोग हैं और दो जगह है तो 2P2, समझ में आया। अभी जब चिल्ड्रन को आप अरेंज करोगे तो आप बोलोगे सर जिसको साथ बिठाना है ना वो तो हमने लिख दिया, इसके अलावा उसमें एक ऐड कर देना है। तो आप बोलोगे सर इसमें समझ लो कि ये जो है उसमें है चिल्ड्रन तीन, उसमें एक ऐड करोगे तो 4P4। लॉजिक बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे कि चिल्ड्रन को अभी समझ लो उनको एक बंच मान लिया, तो मुझे चिल्ड्रन को अरेंज करना है तो ऐसे भी हम तीन लोग और ये बंच को पूरा बंच मतलब हस्बैंड एंड वाइफ को एक कैलकुलेट करते हैं तो हो जाएगा 4P4। और इंटरनल ये दोनों चेंज हो सकते हैं, मतलब वाइफ यहाँ बैठे मतलब समझ लो एक बार वाइफ यहाँ बैठेगी तो हस्बैंड यहाँ बैठेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि वाइफ यहाँ बैठे और हस्बैंड यहाँ बैठे तो उलट सुलट अंदर भी चेंज हो सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, अंदर अंदर चेंज हो सकते हैं। बच्चा समझना ये डायलॉग ये मैं बोल रहा हूँ 8 नंबर में, इसलिए मैंने 2P2 लिया, क्योंकि कई बच्चे मुझे आर्ग्यूमेंट में इसके बाद वाले में आएंगे। तो सर ने लॉजिक बहुत सिंपल लगा है कि सर टोटल जगह है मेरे पास 5 लोगों की, दो लोग को साथ में बिठाना है तो साथ में बिठाएंगे तो अंदर अंदर वो जगह चेंज कर सकते हैं तो वो 2P2, और बाकी बचत 3 सीट। और आप बोलोगे सर इनको एक कैलकुलेट करेंगे तो 4, मुझे अरेंज कितने लोगों को करना है, इनडायरेक्टली 4 लोगों को करना है, ऑटोमेटिक बाकी के 5 लोग अरेंज हो जाएंगे। डायलॉग में परफेक्ट बोल रहा हूँ, शांति से समझना तो क्लियर हो जाएगा। और ऐसे डायलॉग नहीं याद रखना तो एक सिंपल है, जिसको साथ में बिठाना है, जिसको साथ में बिठाना है उनके अलावा उनमें एक ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो बच्चा ये ध्यान में रखना है, ये अरेंजमेंट के समय तो पी आएगा वो मेन पॉइंट है। जैसे ये सॉल्व करते हो तो आप बोलोगे सर ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, इसके साथ बच्चा आप बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 24, तो फाइनल आंसर होगा बच्चा 48। तो आप बोलोगे सर इसके साथ पी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन 48/120, फाइनल आंसर आपको ले जाएगा 2/5 की ओर। क्लियर है बच्चा? तो शांति से ये पहले लिख लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे सम नंबर आप बोलोगे सर 9 की ओर। चलो बच्चा ये 9th कंपेरेटिवली बहुत ही बेसिक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट ध्यान में रखना है। 7% ए बी सी डी ई एफ जी आर द इनवाइटेड टू प्रोग्राम टू डिलीवर अ स्पीच इन रेंडम ऑर्डर। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी बी डिलीवर द स्पीच इमीजिएटली आफ्टर ए। अभी बच्चा उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले 7 लोग हैं, 7 लोग को अरेंज करना है तो उसकी नॉर्मल जो होगी पॉसिबल आउटकम वो कितना होगा,
अरेंज वर्ड है तो आप बोलोगे 7p7, तो आप बोलोगे 7 फैक्टोरियल, जो हो जाएगा कितना 5040। इसके बाद बच्चा आपको जो डायलॉग बोला गया है कि इसमें बोला हुआ है कि कंपलसरी बी जो होगा वो ए के बाद स्पीच देगा। तो बच्चा शांति से समझना, मुझे ए को एक बार सेट कर दिया ना तो ऑटोमेटिक मेरा काम बी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो मतलब मुझे ए को ही अरेंज करना है, बी को तो ऑटोमेटिक उसके पीछे ही अरेंज होने वाला है। तो आप बोलोगे सर इसके बाद आपको सिंपली बोलना है कि आपको 6 लोगों को ही अरेंज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक बी तो अपने आप ही अरेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये साथ में नहीं बिठाना है बच्चा, एक खत्म हो जाएगा उसके बाद है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल है। तो आप लिखोगे एम इज इक्वल टू, बच्चा वो लिखोगे तो उसमें फेवरेबल आउटकम, पहले तो आपको ए लिखना पड़ेगा उसके बाद फेवरेबल आउटकम की बात लिखते हैं। तो ए इज इक्वल टू इवेंट दैट द स्पीकर बी डिलीवर द स्पीच इमीजिएटली आफ्टर ए। उसके बाद बच्चा फेवरेबल आउटकम के लिए हम मेहनत शुरू करेंगे, जिसमें आप लिखोगे फेवरेबल आउटकम फॉर ए इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर 6 लोग को तो अरेंज कर दो ए के इंक्लूडिंग, और बी अपने आप वो सेट हो जाएगा। 6 लोग इसलिए क्योंकि ए को अरेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक उसके बाद वाले सारे अरेंज हो जाएंगे। तो आप बोलोगे सर ये 6 फैक्टोरियल होगा और ये 1 फैक्टोरियल, इसमें जो आप सॉल्व करते हो तो 720 आएगा। तो आप बोलोगे पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, तो आप बोलोगे सर 720 अपॉन 5040 सॉल्व करोगे तो बच्चा 1/7 आएगा। ये ध्यान में रखना 1p1 जो रखा हुआ है। एक डायलॉग बच्चा मैं एक लिखवाता हूँ, एक लाइन आपको लिखनी है तो लिख दो, तो बहुत सिंपल प्रेजेंटेशन सही रहेगा। वो आप बोलोगे कहाँ लिखना है, तो ये ए के बाद लिखना है। कंसिडरिंग द स्पीकर ए एंड बी एज अ वन यूनिट, टोटल 6 पर्सन कैन बी डिलीवर स्पीच इन 6p6 वे एंड बी कैन डिलीवर स्पीच इमीजिएटली आफ्टर ए इज 1p1 वे, सो फेवरेबल आउटकम, और उसके बाद बच्चा आपको लिखना है। ये लाइन शांति से लिख दोगे तो आपको 100% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद बच्चा जो पॉइंट शुरू हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है, जो जिसमें हम डिस्कस करेंगे मंथ और लीप ईयर और मंडे कितनी बार आएगा। बच्चा ये एग्जामिनेशन में कई बार आता है, तो शांति से प्रॉपर देखना। मिलते हैं अब नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।